हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमने आलू का स्टिक बनाया है। ये देखिए, आपको पास से दिखाते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। उतना ही ये क्रिस्पी भी है। आप किसी वक्त इसे बनाइए और खाइए। इसे हमने ब्रेकफास्ट में बनाया है। आप डिनर, लंच या टिफिन के लिए भी आप इसे बना सकते हो। अच्छे से ये बन भी जाता है बिना झंझट का, और आलू का अच्छा लगता है खाने में बच्चों को। आप इस तरह से बना कर उन्हें दीजिए टिफिन में, उन्हें भी पसंद आएगा। चलिए आपको बताते हैं आलू का ब्रेकफास्ट कैसे बनाया जाता है। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। देखिए, आज हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में हमने देखिए 5 आलू ले लिया है उबाल के। इसे हम मैश कर देंगे। इनके साथ में डालने के लिए हमने मसाला ले लिए हैं। देखिए, मसाले में हमने ले लिए हैं लहसुन, मिर्चा, इनको भी हम कूट लेंगे। यहाँ देखिए, गरम मसाला, हींग, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे ले लिया है कलौजी। इतना ही लेना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। चलिए, इन सबका हम पाउडर बना लेते हैं और इनको हम कूट लेते हैं इनके साथ में। ये देखिए, इसी में हम सभी को डाल देंगे मसाले अपना। ये देखिए, इन्हें हम कूट लेते हैं, अच्छे से पाउडर बना लेंगे। देखिए, इस तरह से इसे कूट लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारे मसाला तैयार हो गए। इन सबको हम डाल देंगे आलू में इस तरह से। इन्हीं के साथ में हम देखिए मैदा ले लिए हैं 4 चम्मच, इसे भी हम डाल देते हैं इसमें इस तरह से। और बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनता है। आप किसी वक्त इसे बनाइए। और स्वाद के हिसाब से इसमें हम नमक डाल देंगे। ये देखिए, खट्टा के लिए हम इसमें नींबू डाल देते हैं। ये देखिए, इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं हम अच्छे से। मैश कर लेते हैं हाथ से। इस तरह से पानी नहीं डालना है हमें, अच्छे से मिला लेते हैं इन्हें इस तरह से। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या टिफिन के लिए भी आप इसे बना सकते हो। बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। ये देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। इसे हमें डो की तरह बना लेना है और आलू एकदम मैश कर देना है। थोड़ा भी गुठली ना रहे आलू की। मसाले डाले हैं उसके, बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है उसका। ये देखिए, इसे अच्छे से डो के जैसा तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारा आटा अच्छे से हो गया है। इसमें देखिए, हमने अलग से 1 चम्मच मैदा लेके इस तरह से फैला दिया है, और इसे इस तरह से फैलाते हुए इसे अच्छे से हम कर लेंगे डो जैसा। हम इसे बना लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसे पूरा मिलाते हुए ये हो गया। इसमें 1 चम्मच हम डाल देते हैं तेल ऊपर से। ये देखिए, इस तरह से इन सबको भी अच्छे से मिला लेते हैं हम तेल। ये देखिए, ये हो गया। इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और जो हमने इसमें मसाला डाले थे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है वो भी देखने में अच्छा। चलिए, नहीं हम बनाते हैं। देखिए, हमने एक थाली ले लिया है। इसमें देखिए, हमने आटा लगा दिया है। लगा देना है इस तरह से। इसके ऊपर हमें इस तरह से, अब मोटा ही लेना है हमें, पतला नहीं लेना है। ये देखिए, इस तरह बना के हमें रोटी से मोटा इससे बेल लेना है इस तरह से। आटा लगाते हुए हमें बेल लेना है इसे। ये देखिए, इस तरह से कर लेना है हमें। और देखिए, यहाँ पे जो हमें इतना मोटा रखना है, पतला नहीं रखना है। इसे पतली साइज में आप कट कर लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से सभी को हमने काट लिया। चाकू में तेल लगाकर कट कीजिएगा, तभी अच्छे से कट होगा ये। इन्हें हम तेल में फ्राई कर लेते हैं इन्हें। ये देखिए, आराम से उठाइएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए, आपको पास से दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इतना मोटा हमें रखना है, पतला नहीं रखना है। चलिए, इन सबको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, एक एक हम डाल देते हैं इसमें इस तरह से। सभी को हम डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला देंगे ताकि अच्छे से ये सिक जाए दोनों तरफ से। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और खाने में भी उतना ही टेस्टी रहता है ये। देखिए, इसे हम पलट देते हैं सभी को इस तरह से। ये देखिए, हमारा ये हो गया, स्टिक तैयार हो गया है। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये देखिए, और कितना अच्छा इस पर कलर भी आया है। देखिए, आपको पास से दिखा रहे हैं। अब हम निकाल लेते हैं सभी को। और देखिए, कितना अच्छे से फूल भी गए हैं। सबको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए,
देखिए सभी को हम निकाल लेते हैं इसमें। ये देखिए हमारा आलू का स्टिक हो गया है तैयार। इस तरह से आप भी बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसे तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना अच्छा है। देखिए स्पंजी भी बना हुआ है ये देखिए। आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे लंच डिनर किसी वक्त आप इसे खा सकते हो। इसके साथ में हमने देखिए तीखी चटनी बनाया है टमाटर धनिया से। ये देखिए इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। आप किसी वक्त इसे बना करके खा सकते हो। हमने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है, आप अपने हिसाब से आप इसे बना सकते हो जैसे आपको बनाना हो लंच डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए। और बहुत ही अच्छे से बन जाता है, तैयार भी हो जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होता हमें बनाने में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।